बिहार विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कई दिग्गज इस बार विधानसभा पहुंचने से रह गए। बिहार के चुनावी जंग में उतरे दिग्गजों का क्या हाल रहा, देखते हैं टॉप 9 दिग्गजों की जीत हार। आरजेडी के दिग्गज नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लाघोपुर सीट से शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। आरजेडी के दूसरे बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हसनपुर सीट से जीत हासिल की। जीत के बाद तेज प्रताप ने ट्वीट कर खुशी जताई। तेज प्रताप महुआ सीट छोड़कर हसनपुर से चुनाव लड़ने पहुंचे थे। आरजेडी के दो दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव चुनाव हार गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से और भोला यादव हायाघाट से चुनावी मैदान में उतरे थे। दोनों दिग्गज नेताओं ने इस बार चुनाव में अपनी सीट बदली थी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से फिर चुनाव जीते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव भी पटना साहिब सीट से चुनाव जीत गए हैं। जमुई सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी श्रेयसी सिंह ने शानदार जीत हासिल की। वहीं मोकामा सीट से अनंत सिंह पार्टी बदलने के बाद भी चुनाव जीत गए। अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे। बांकीपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनाव हार गए। बांकीपुर से ही चुनाव लड़ रही पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव हार गयी। पुष्पम प्रिया बिस्फी सीट से भी चुनाव हार गयी। मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरी शरद यादव की बेटी सुभाषिनी बुंदेला चुनाव हार गयी। मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव भी चुनाव हार गए हैं। सिमरी बख्तियार सीट से चुनाव लड़े वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को हार मिली है। दल बदल कर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े लालू के समधी चंद्रिका राय परसा सीट से चुनाव हार गए। नीतीश सरकार में मंत्री रही मंजू वर्मा चेरिया बरियारपुर सीट से चुनाव हार गयी। मंजू वर्मा को टिकट देने पर सवाल उठा था। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी लवली आनंद सहरसा से चुनाव हार गयी है। लवली सांसद रह चुकी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।